हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी मिक्स ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाना। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। इन्हें बनाने के लिए ना हमें कोई गैस की ज़रूरत है और ना ही कोई चाशनी की ज़रूरत है। इन्हें हम ऐसे ही बनाएंगे। तो आइए देखिए, इन्हें बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया है। ये हमने 250 ग्राम खोया लिया है और ये 100 ग्राम चीनी है, जिसको हम तगार बोलते हैं। ये हमने कुछ मखाने लिए हैं, जिनको हमने बारीक काट लिया है। ये गरी है, जिनको हमने कद्दूकस कर लिया है। और ये 8 से 10 काजू हैं, जिनको हमने छोटा छोटा काट लिया है। ये 15 से 16 किशमिश हैं। और ये 7 से 8 बादाम हैं, जिनको हमने काट लिया है बारीक। और ये चिरौंजी है। तो फ्रेंड्स, अब हम इन्हें बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे। और इस बाउल में हम ये खोया डालेंगे। अब हम ये मखाने डाल देंगे, गरी, काजू, किशमिश, चिरौंजी और ये बादाम। चीनी आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो आप ज्यादा डाल सकते हैं। अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये जो बची हुई चीनी है हम ये भी इसमें डाल देंगे। ये लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। फ्रेंड्स, हमारी सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें ये इलायची पाउडर डाल देंगे, इससे लड्डू और भी स्वादिष्ट बनेंगे। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमारी सारी चीजें मिक्स हो गई हैं। अब हम लड्डू बनाएंगे। तो अब हम एक नींबू के आकार में सामग्री को लेंगे और इस तरह से लड्डू बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे लड्डू बन गए हैं। इसी तरह हम सारे लड्डू बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बने हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हें एक बार जरूर बनाइए। तो अगर हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे जल्दी से लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।